फाइनली ये आ चुका है मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए। तो ये अब इसमें ऐसे लगाएंगे। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ब्लूटूथ है, मतलब मैं जब भी अकेली हूँ और मुझे सेल्फी लेना हो तो मैं ले सकती हूँ। और हम डालेंगे हे गाइस दिस इज तो भाई लोग, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि हमें स्टूडियो के सेटअप के लिए कुछ सामान खरीदने जाना है, तो उसी के लिए आज हम आए हुए हैं। वैसे हमारा थॉट है कि हम एक रिंग लाइट तो ले ही लें फिलहाल के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम वो गोरिल्ला ही बोलते हैं ना, जो ब्लॉगिंग के लिए पकड़ा जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर, बहुत ज़्यादा। और अपना वो मास्क और हम लिप्स नहीं पढ़ पाएंगे लोग। हाँ सॉरी, जैसा कि हमने बोला था कि हम गोरिल्ला वो ब्लॉगिंग वाला जो रहता है ना, वो मेरे को आइडिया नहीं है एक्चुअली, इसलिए इसको लेके आई हूँ। रिंग लाइट लेके आना है क्योंकि हमें वीडियो पे जाते टाइम मुझे लग रहा है दोस्तों आवाज नहीं आ रही होगी, इसलिए डबिंग करके डालनी पड़ेगी। तो चलो पिछली बार का एक्सपीरियंस कैसा था इधर का? पिछली बार की रिंग लाइट ले गए थे इधर से, बहुत बहुत सही थी। हल्का एकदम सेट करके रखते हैं, माइक भी देख लेते हैं यार, बट बोया तो अपने पास रखा हुआ है। टन टन और टिकटॉकर वाली लाइट, लेकिन वी आर नॉट टिकटॉकर बेसिकली, वी आर अ यूट्यूबर फिल्म मेकर। देखो लोग पहले YouTube पे आते हैं उसके बाद फिल्म बनाते हैं। ये पहले YouTube, पहले फिल्म मेकिंग की है फिर YouTube पे आया। तो भैया ये जो अतरंगी सा औजार आप देख रहे हैं ये है मिनी ट्राइपॉड। इसका उपयोग व्लॉगिंग वगैरह में बहुत बढ़िया हो सकता है। माइक और मिनी ट्राइपॉड खरीदने के बाद हम आ गए हैं दूसरे मार्केट, जहां पर हम YouTube सर्टिफिकेट को फ्रेम करवा सकते हैं। यो ब्रो, सिल्वर प्ले बटन पे फ्रेमिंग करवाने। तो ये है, मैं थी तेरी पहली सब्सक्राइबर। फिर आ गई तो ये काम करने, पर मेरे को कुछ पसंद नहीं आता पता है। ये कैसा लग रहा? बेकार। यहाँ पे मोल भाव कर रही है यहाँ पर। तो अरे कितना मोल भाव कर रही है, 160, 150, 200, 300 ऐसे कर रही है मोल भाव। फोन पे है? कोई फोन पे नहीं, कैश। फाइनली 50 जगह घूमने के बाद आप जा रही है खाने, क्या ले लिए? नेकलेस। चलो लॉट ऑफ बार्गेनिंग, नहीं लॉट ऑफ बार्गेनिंग, उन्होंने अपने आप ही दे दिया। मतलब मैंने एक बार उनको बोला आप इतने में कर दो, उन्होंने कर दिया। पानी पूरी खाने आ गई। अब तुम देखो दोस्तों, इतना खाती है फिर इसको हो जाता है बुखार। पेटीज खा लेंगे। ये फिर खाने आ चुकी है लड़की, क्या खाने आई है? मास्क लगा के खाना आज तू। पता है ये जो फैंटेसी बेकरी है यहाँ पे, बेस्ट पेटीज, बेस्ट हर चीज मिलती है, और यहाँ की रामबॉल हम दोनों को पसंद है। अच्छा अभी फिर खाने आ गई है। बहुत खाती है भाई लोग ये। तो अभी हम लोग यहाँ से पेटीज वेटीज खा लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। क्या क्या लिया है? एक हॉट डॉग, गरम कुत्ता। एक गरम कुत्ता लिया है इसने, और कॉर्न, चीज कॉर्न पेटीज, चीज कॉर्न वाली पेटीज ली है। कुत्ता दोनों एक ही फ्रेम में आ जाओ थोड़ा। तो मेरे को तो खिला दे यार, मैं खा रहा हूँ हॉट डॉग। खा लिया बेटा? पेट भर गया? नहीं। क्या क्या खा लिया? दो तीन आइटम। पेट
भरना ही मन भरना चाहिए। पेट कभी नहीं भरता ना तुम्हारा मन भी नहीं भरता तुम्हारा ना पेट भरता ना मन भरता, इतना खा लेती है अभी। छोटू भी आ गया खाने के लिए। खाए जाओ खाए जाओ, मेरे गुण गाए जाओ, जीवन के गुण गाए जाओ। ए मेरे को बोलता है, ये भी डाल देना, मेरे को बोलता है कि मैं कुछ नहीं खाता हूँ साले, दबा दबा खाता हूँ। हाँ हो गया भाई। ओके गाइस, तो हमने जो है फ्रेमिंग करवा ली है यूट्यूब वाले को, और एक फाइनली ये मेरे लिए आ चुका है, एक गोरिल्ला आ गया है, ये भी खोल के दिखाएंगे आपको। और इसका हमने फ्रेमिंग नहीं करवाई, ये नहीं करवाया, टाइम लग रहा, टाइम बहुत लग रहा था और हमें इसे देना पड़ता, तो हमने नहीं हम नहीं दे सकते थे, तो हमने सोचा कि कभी नेक्स्ट टाइम में करवाएंगे। यस फाइनली दोनों से यूट्यूब का। और एक चीज और आपको दिखाते हैं, हिज वर्क, ये फिल्म के पोस्टर है जो इसके दिल के बहुत ही करीब है। ये मेरे बहुत ही प्रीशियस फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, लगभग 14 मिनट की, ये शॉर्ट फिल्म है, एज एन राइटर डायरेक्टर मैंने काम किया था। ये फिल्म मेरे लिए इतनी प्रीशियस थी कि इस फिल्म ने मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा मुझे दिया, मतलब इमोशनली और वर्क। अच्छा पहले बता देता हूँ, इस फिल्म का टाइटल है Who Am I? Who are you? Who am I? तो लाइक मैं इस तरह का पर्सन था कि सेल्फ डिस्कवरी टाइप का और स्पिरिचुअल टाइप, पर एक बात है, बट ये यूट्यूब पे आते ही मैं बहुत बड़ा बकलोल हो चुका हूँ। मतलब मैं बहुत सच बताऊँ ना, मैं बहुत सीरियस पर्सन था, बहुत ज्यादा, मतलब आप बैठे हो इसके साथ तो आपसे ये कुछ बोलेगा नहीं, पूरे टाइम सीरियस बात करेगा। एक चीज होती है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो राइटिंग और डायरेक्शन प्रोफेशन में जो होते हैं, वो बहुत सीरियस होते हैं बेसिकली। इसे भी याद है जब मैं फिल्म बनाता था, शॉर्ट फिल्म बनाता था, गॉड ये पता है कैसा रहता था, एकदम सीरियस लगता था, इसको किसी ने बहुत मारा होगा। मुझसे कैसे कैसे लोग मिलते थे, एकदम बताओ कैसे लोग मिलते थे मुझसे, एकदम सीनियर टाइप लोग मिलते थे, 60 साल 50 साल के लोग, 60-60 साल। बट इसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और उन लोगों के साथ मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करता था। पता है ये क्या बोलता था कि ये क्या बकवास चल रही है, और जो 20-22-25 साल के लड़के होते थे उनके साथ तो मुझे लगता था कि मजा ही नहीं आ रहा। पता इसके साथ क्या हुआ, लोग टाइम के साथ मैच्योर होती है, टाइम से पहले मैच्योर हुआ, और टाइम के बाद फिर मैं बकलोल हो चुका हूँ। फाइनली हम ब्लॉग मेरे लिए कर रहे हैं, ये ले आए हैं, ये लास्ट पार्ट है ब्लॉग का, क्योंकि इसके बाद अब मैं आपसे बात करूंगी, ये नहीं। और ये हमारा फाइनली ये आ चुका है मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, तो ये अब इसमें ऐसे लगाएंगे। और पता है इसकी सबसे अच्छी पार्ट बात ये है कि ये ब्लूटूथ है, मतलब मैं जब भी अकेली हूँ और मुझे सेल्फी लेना हो तो मैं ले सकती हूँ। hey और आप लोगों को बताना है कि अब से हम लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आर यू इंटरेस्टेड इन इट, यस और नो? नो नो यस, क्योंकि कोविड आया, कोविड में सब कुछ बंद हो चुका था, फिर हम इसके साथ कुछ हुआ, उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे आया, इसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, एक पर्सनल ट्रेजेडी, वो डिस्कस नहीं कर सकते, वो हम अभी बता नहीं सकते आपको। फिर मैं यूट्यूब पे आया, फिर ये यूट्यूब पे आया, फिर इसको देखो यूट्यूब पे लेके आया, फिर इसको यूट्यूब पे लेकर आया, नहीं तो उससे पहले तो लाइफ ऐसी चलती थी कि शॉर्ट फिल्म्स बना देते। ये फिल्म और पता है ये क्या करता था, ये फिल्म नेशनल इंटरनेशनल सब जगह पे, मतलब ये उसका प्रीमियर हुआ है और हर जगह पे दिखाई गई है, ये मतलब कई सारे फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है। अभी तो इसमें 3 का लगा हुआ है, जो है फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, सिने शॉट जो बॉम्बे का है छाया करके, और उसके बाद उज्जैनी फिल्म फेस्टिवल, और उसके बाद चित्र छाया फिल्म फेस्टिवल, ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब बाहर भी इसका शोकेस हुआ है, तो ये यूट्यूब पर डली हुई है, आप देखना। खैर सारी बातें बाद में कभी लगेगा, जीवन की बातें करेंगे तब करेंगे। तो इतना प्रीशियस है ना, इतना प्रीशियस है ना ये। और पता है मैं इससे हमेशा यही पूछती हूँ कि तेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर कौन है, तेरे को याद है क्या? तो ये बोलता है मैं खुद, ये खुद नहीं, मैं हूँ उसकी फर्स्ट सब्सक्राइबर। ओके चल। और ये क्या लेके आ गया, ये कैसे ठोक रहा है पत्थर, ये क्या कर रहा है यार?
क्या ये अच्छे लग रहे हैं? तो भाई लोग ये लग चुका है अपना। ओके गाइस, सो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया, तुम घर कब जा रही हो? तुम्हारे बस निकल रही हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर नो शेयर नहीं लाइक और सब्सक्राइब यार शेयर नहीं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। एंड कोविड बढ़ रहा है तो प्लीज मास्क हमेशा लगाए रखें। ओके बाय बाय।